झांसी में पिछले दिनों दर्ज हुए मुकदमे को लेकर साहू समाज के लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को एक ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की है। इस मौके पर पूर्व झांसी विधायक कैलाश साहू, व्यापारी नेता संतोष साहू व अमित साहू आदि ने पहुंचकर ओम प्रकाश साहू पर दर्ज हुए मुकदमे का विरोध किया। समाज के लोगों का कहना था कि ये मामला पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आज के समय में मात्र 350 रुपये के लिए लूट तो किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने बताया कि मामला कई दिन पुराना दर्शाया गया, जबकि करीब एक माह बाद मामला दर्ज कराया गया। इस पूरे मामले में लोगों का कहना है कि शिकायतकर्ता की जांच होनी चाहिए, क्योंकि घटना जिस जगह की दर्शाई गई है वो झांसी के व्यस्तम क्षेत्र है, वहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। ऐसे में बिना जांच के पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करना भी पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है। वो एक हमारे समाज के एक व्यापारी है, ओम प्रकाश जी साहू और उनकी धर्म पत्नी कुसुम साहू, उनके ऊपर एक जोशी परिवार है, उन्होंने झूठा केस लिखा दिया कि बड़ा बाजार में मैं जा रहा था, इनकी पत्नी ने और मुझे रोका और मेरे 350 रुपये निकाल लिए और मुझसे कहा कि तुम्हें जान से मार डालूंगा। आप ये बताइए, जब बड़ा बाजार जैसे व्यस्त इलाके में यहाँ पर 24 घंटे मुरली मनोहर मंदिर के सामने पुलिस पिकेट तैनात रहती है और वहाँ पर CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, क्या 350 रुपये की घटना शाम को 5 बजे जो दर्शाई गई है क्या सही है? चलिए खैर, ये भी हुआ और एक महीने पुरानी घटना को अभी परसों 7 तारीख को दिखाया गया। तो माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से हम लोग समाज के सभी लोग मिलने आए थे कि सर, इस तरह का उत्पीड़न नहीं, समाज का नहीं किया जाए। हमारे जिला अध्यक्ष भी सुरेंद्र साहू जी, हरभजन जी, कैलाश साहू जी, अमित साहू जी, सभी लोग इसीलिए आए थे और माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने कहा भी है कि नहीं, वो मेरे संज्ञान में है। मेरा नाम सुरेंद्र साहू, मैं कार्रवाई जिला अध्यक्ष साहू समाज से। क्या हुआ है? ओम प्रकाश साहू जी के ऊपर जो व्यापारी थे, उनके बच्चे डॉक्टर भी हैं, तो उनके ऊपर 350 रुपए की लूट किसी को समझ में नहीं आई थी। समाज के जो गणमान्य व्यक्ति सारे लोग आए हुए थे, उनको किसी को भी ये समझ में नहीं आई कि कोई व्यक्ति 350 रुपए की लूट कर सकता है। बाकी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको सब कुछ अवगत कराई दिया। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और ITI डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।